आज मैं बनाऊंगी आपके लिए डोसा। ये बनाना बहुत ही इजी है और बड़े इजी वे से बन जाता है। ये बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका, मार्केट स्टाइल का दोस्तों। आप इसे को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी डोसा। तो इसके लिए आपको चाहिए, ये मेरा चना की दाल है, ये मैंने आधा बाउल ले रखा है, ये मेरा 250 ग्राम का मेजरमेंट है। आप कोई भी एक कप या ग्लास कुछ भी ले सकते हैं, उसी ग्लास से आप या कप से आप सभी चीज़ें मेजर कर लेंगे। और चाहिए आपको, ये चावल है मेरा, चावल मैंने ये बाउल लिया है, ये मैंने 1.5 कप चावल लिया है। और साथ ही लिया है मैंने उड़द की दाल, ये सफ़ेद उड़द की दाल है, इसको भी मैंने 1 कप लिया है पूरा। अब हम इनको क्या करेंगे, अच्छे से धोकर और फिर हम इसमें पानी डाल के इसको भिगो देंगे। इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। देखिए, पानी आप कितना भी डाल सकते हैं कि चावल जो है आपके अच्छे से डिप हो जाए। इसी तरह से जो मेरी चने की दाल थी उसे भी भिगो दिया है मैंने अच्छे से पानी में, खूब धो के। इसी तरह से जो उड़द की दाल है उसको भी मैंने भिगो दिया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे, करीब 5 घंटे के लिए हम इसको भिगो के छोड़ देंगे। अब हम इन सबको पीस लेंगे मिक्सी में, पानी निकाल कर। जो उसका पानी है वो हमें फेंटना नहीं है। ये देखिए, मैंने सब पीस लिया है। ये हमारा सबसे नीचे चावल है जो बिल्कुल वाइट कलर में है, फिर उड़द की दाल है पीसी हुई, और ये चने की दाल है। अब इनको खूब अच्छे से हम हाथ से फेंट लेंगे करीब 5 मिनट तक। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका ये बबल टाइप आ गया है हल्का सा। अब हम इसको ढककर करीब 10 घंटे के लिए रख देंगे। हमें डोसे के मसाले के लिए जो जो सामान चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है ये हमारी एक प्याज है, बड़ी प्याज है मेरी ये। इसको हमने इस टाइप से लच्छेदार काट लेना है। और चाहिए करी पत्ता, ये मैंने 4-5 करी पत्ता लिया है, इसको मैंने तोड़ लिए थे। एक कटी हुई हरी मिर्च, और चाहिए आपको आधा चम्मच काला नमक, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और चौथाई चम्मच गरम मसाला। मैंने लिया है 1 चम्मच सरसों दाना, और ये मटर, ये करीब मेरी 1 कड़छी मटर है। इसको मैंने पानी, गर्म पानी में डुबो के रखा है, इससे क्या है जो मटर है वो आपकी गल जाएंगी। और ली है मैंने 4-5 बड़े आलू, इनको मैंने उबाल कर और इसको छील कर काट के रख लिया है। और साथ ही मैंने 2 बड़े कड़छी ऑयल लिया है, जिसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है गरम होने के लिए। ऑयल मेरा गरम हो चुका है, इसमें हम सरसों के दाने डाल देंगे और हींग भी डाल देंगे। तो हमारा हींग और सरसों दोनों हो गई है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे। प्याज हमारी हो चुकी है, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी और मटर और सभी मसाले डाल के इसको रेडी कर लेंगे। सभी मसाले डालकर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये आलू भूनने में आपको करीब सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे, गैस बंद कर देंगे। हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा हो गया है या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा बहुत अच्छे से इसका बैटर हो चुका है। देखिए कितना फ्लफी दिख रहा है ये। अब हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। तो देखिए, मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है, जो हमने पानी रखा था दाल का भिगोया हुआ, जो उसी को मैंने यूज़ किया है। इस टाइप से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसका डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, पैन लेकर इस पर मैंने 1 स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इस पे पानी की छींटे डालेंगे, और गैस मेरी फुल है इस पे। इस तरह से देखिए, पानी डालते ही ये एकदम से आवाज़ आएगी आपको बहुत तेज। अब हम इसको कपड़े से पोंछ लेंगे। इस तरह से पूरे कपड़े से हमें इसको पैन को पोंछ लेना है। अब हम गैस हल्की करके लेकर, एक कड़छी लेकर इस तरह से हम बैटर को फैलाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, राउंड राउंड घुमाते रहेंगे इसको, जितना आपसे बड़ा हो सकता है उतना आप बड़ा बना लेंगे इसको।
ये मैंने इसको पूरा स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। अब हल्के हाथ से साइडों में पूरे किनारे पे आप इस पर ऑयल लगा लेंगे। और ये जब हल्का रेडिश पर आ जाएगा फिर हम इस पर आलू की स्टफिंग कर देंगे। ठीक, ये हमारा इस तरफ से रेड हो चुका है। अब हम इस पर जो हमारा आलू का बैटर था उसको डालेंगे, पूरा स्प्रेड कर देंगे सेंटर में, एक लाइन देंगे इसकी इस तरह से। अब हम इसको पलट लेंगे, मीन इसको हम रोल कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये आपका डोसा बनकर रेडी है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका, आपको इसको बार बार पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा डोसा बनकर रेडी है। तो ये मेरा बनकर रेडी है, मैंने इसे सांभर के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी भी तरह से खा सकते हैं, चाहे चटनी से चाहे सॉस से। तो आप इसे बनाइए और खाइए, बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।